हाँ तो भाई लोग कैसे हो सबके सब, तो आप सब बच्चों के तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है माइक्राफ्ट। तो यहाँ आप सभी देख सकते हो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर, यानी आज भी हम बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के बारे में। तो आप सभी को मेरा गेम प्ले थोड़ा लैगी लग रहा होगा, देख सकते हो थोड़ा लैगी, लेकिन भाई ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना ही मेरे डिवाइस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है लेटेस्ट माइनक्राफ्ट अपडेट की। तो आप सभी को पता है एक अपडेट आया नया, उसमें ये लैग पता नहीं क्यों आ रहा है यार, और ये बहुत ज़्यादा लैग करता है, देख सकते हो यार गेम प्ले स्मूथली नहीं रन नहीं कर रहा, गेम लैग है भाई, देख सकते हो अलग से दिखता है कि गेम लैग है, डिवाइस लैग नहीं है, क्योंकि डिवाइस लैग होता ना तो भाई मेरे कंट्रोल लैग करते हैं, लेकिन मेरा कंट्रोल लैग नहीं है, मतलब कंट्रोल में मेरा बिल्कुल लैग नहीं है, देख सकते हो ये देख सकते हो, हाँ गेम लैग ही है, ये इसका मतलब, मतलब गेम में कुछ है भाई, पता नहीं बग है कुछ, इसकी वजह से लैग कर रहा है। तो आई होप ये मोजिंग वाले इसको ठीक करें यार। तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वैसे काफ़ी चीज़ें बताता हूँ वीडियो में, तो आप फिर कमेंट करते हो बाद में, देखते तो पूरा हो नहीं इसलिए पूरा देखो वीडियो। हाँ तो आप सबको पता है कि यार इस वाले चैनल में मैं शेडर की कुछ ज़्यादा ही बात करता हूँ, मतलब मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए शेडर के ऊपर। अब आप सोच तू इतनी वीडियो क्यों बनाता है शेडर के ऊपर, हाँ भाई मैं बता दूँ इसलिए बनाता हूँ, क्योंकि यार शेडर एक ऐसी चीज़ है जिसकी जिसका यूज करके आप पॉकेट एडिशन को मतलब इतना चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कोई है एक ऐसा एडोन है तो वो शेडर ही है, शेडर की मदद से आप पॉकेट एडिशन को काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर सकते हो, इसलिए मैं शेडर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप सभी को यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में मैं एक शेडर के बारे में बात करने वाला हूँ, और ये शेडर बहुत ज़्यादा कमाल का शेडर है, हाँ तो कमाल का शेडर है, तो ये लो एंड डिवाइसेस में मेरे को लगता है अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, पहले ही बोल देता हूँ यार, तो थोड़ा हैवी है और ये न्यू अपडेट है, तो इसकी वजह से अगर आपके पास न्यू अपडेट है तो आपने भी ज़रूर फैस किया होगा कि यार न्यू अपडेट में लैग करता है माइनक्राफ्ट, तो इसलिए शेडर भी थोड़ा लैगी हो सकता है, उसमें ना शेडर की प्रॉब्लम है ना आपके डिवाइसेस की, और ये प्रॉब्लम है माइनक्राफ्ट की, तो यार ये पता नहीं क्यों करता है। तो भाई इसी शेडर के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो शुरू कर दिया मैंने वीडियो, तो अभी मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ होम स्क्रीन पर, बाकी साझे मतलब वहीं पे आपसे वो दिखाने वाला हूँ किस तरह से इसको एक्टिवेट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम वहीं पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हो मैं आ गया हूँ माइनक्राफ्ट में, और अभी मेरे पास वर्जन है 1.16.201, तो ये लेटेस्ट है और स्टेबल है, इससे अगला वाला बीटा वर्जन में है, मतलब बीटा फॉर्म है, तो उसको बीटा में चल रहा है भाई, ये ही इतना स्टेबल नहीं है, स्टेबल होने के बाद भी तो बीटा तो बहुत ही कमाल होगा, तो बीटा मत खेलो, इजी को खेल सकते हो आप। तो आप सभी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे प्ले बटन है इसमें क्लिक करना है, और यहाँ से आप सभी को यहाँ से वर्ल्ड की सेटिंग में जाना है, जिस भी वर्ल्ड में आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ से एडोन में जाना है, और भाई ये रहा कूल क्राफ्ट वाईटी वर्जन 2.0 शेडो पैक, तो भाई ये कूल क्राफ्ट ने बनाया है, तो आप इनका वाईटी चैनल भी है चेकआउट कर सकते हैं आप सर्च करके, और नीचे इनके वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए, और वहीं पे सारी इनके जो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स है यूट्यूब लिंक आप सभी को वहीं पे मिल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पूरा क्रेडिट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है किसने इसको बनाया है, तो कूलक्राफ्ट ने इसको बनाया है, तो आप कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से एक्टिवेट लिखा है तो एक्टिवेट पर क्लिक करना है, इसके बाद आपने वर्ल्ड को यहाँ से प्ले करना है, अगर आप दूसरी बार खेल रहे हो, अगर पहली बार ही खेल रहे हो तो आपको वर्ल्ड को जनरेट करना है, तो उसमें सम मोमेंट्स यानी कुछ टाइम इसमें लग सकता है, पता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा सोच रहे होगे ना, ठीक है। तो हमारा वर्ल्ड जनरेट हो चुका है, तो देखते हैं हमारी ये शेडर का लुक फर्स्ट लुक कैसा दिखता है। अबे हो जा ना, क्या कर रहा है यार इतना, क्या टाइम लगा रहा है, हो चुका है, ओ वाओ अमेजिंग लॉर्ड, ओ वाओ वाओ अमेजिंग, ये देख सकते हो ये शेडर है। तो भाई इसमें थोड़ा ज़्यादा लैगी हो सकता है माइनक्राफ्ट, तो ये ना इस शेडर की प्रॉब्लम है ना आपके या फिर मेरे डिवाइस की, तो ये माइनक्राफ्ट में लैग कर रहा है। अगर आप 1.16.40.2 वाला अपडेट अगर आपके पास वर्जन है अगर उसमें इसको ट्राई करोगे तो यार ये बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, तो यार ये कमाल का है, थोड़ा आर्टिक्स की याद दिला रहा है मुझे, वाह This is amazing. Wow. तो इसको क्रिएटिव में करते हैं और कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं, लाइक हमें नेदर में भी जाना है और बाकी सारी चीज़ें
हमें ट्राई करनी है। जैसे काफ़ी सारा इसमें किस तरह का दिखता है वो सब मुझे ट्राई करना है, इसलिए इसको मैंने क्रिएटिव में किया है। देखो मतलब ऐसी कुछ ऐसी टूल्स जो इसमें कैसे दिखते हैं, वाओ अमेजिंग। तो थोड़ा हैवी शेडर है देख सकते हो, हाँ थोड़ा बहुत हैवी है, तो थोड़ा बहुत लाइट होता तो यार ये काफ़ी अच्छा शेडर एक बन सकता था RTX के लेवल का। देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लेकिन थोड़ा हैवी है। अब ये तो बोलना पड़ेगा यार, मैं शेडर का रिव्यू कर रहा हूँ तो मेरे को सब कुछ बताना आपसी को पड़ेगा इसमें दिक्कत कहाँ पर आपसी को हो सकती है। थोड़ा बहुत लैगी है लेकिन ये थोड़ा हैवी है, वैसे हैवी है तो लैग करेगा इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हैवी है यार ये। थोड़ा बाहर जाके देख लेते हैं, सरफेस एरिया को देख लेते हैं, कुछ फ्लैट और भी काफ़ी सारी जगह जैसे है, डेजर्ट कैसा दिखता है इसमें, ओके ये वाला स्लैम एरिया कैसा दिखता है, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा देख सकते हो। वाटर इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है देख सकते हो यार, ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा इस भी वाला शेडर है ना वैसा है, तो इस भी कमाल का एक शेडर है, तो इस भी लैग नहीं करता, इस थोड़ा हैवी है यार। मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि यार रिव्यू में है, बोलना पड़ रहा है इसलिए, तो थोड़ा हैवी है, इतना भी नहीं है। आप सभी देख सकते हो मेरा गेम प्ले यहाँ पे, यहाँ से आप सभी को शैंड दिखने वाली है, मतलब इसमें डेजर्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब सारी बातें तो आप सभी को मैं जाके दिखा नहीं सकता, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे फायर कैसे दिखती है ना, फायर में भी चेंजेस आता है, फायर नॉर्मल है, मतलब फायर में कुछ चेंजेस में किया नहीं है मेरे को ऐसा लगता है। और ये जो मैन ब्लॉक्स होते हैं ये सब दिखते कैसे इसमें, जैसे हमारा ये नहीं मेरे को मतलब ये देखो वुड, हाँ वुड कमाल की एक चीज़ होती है, तो वुड कैसे दिखती है ये भी आप सभी को देखना चाहिए इसमें। वुड ओके ओके नॉट बैड, अच्छी दे अच्छी है देख सकते हो यार, वाह काफ़ी अच्छी है। और ये देखो स्टोन कैसा दिखता है इसमें, वाह। वैसे आप सभी सोच रहे होंगे यार तो स्टोन को क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यार किसी के सैडर में ना इन सभी को भी चेंज किया जाता है, मतलब थोड़ा टेक्सचर भी इसका चेंज किया जाता है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ओनली आप सभी को ऊपर से शेडो के इफेक्ट पड़ रहा है और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, बस ओनली शेडो इसमें ऐड की गई है। और इसमें पानी को देखो कितना गजब बनाया गया है, पानी काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हो। इसमें इनको चेंज नहीं किया गया, ये ओनली वैसा ही है जैसा होता है, ओनली इन पे उनके ऊपर शेडो का इफेक्ट है, इसलिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें लाइट लाइट को थोड़ा ज़्यादा किया गया है शेडर में देख सकते हो, लाइट काफ़ी ज़्यादा दिख रही है देख सकते हो, हमारी शैंड वाइट ही हो गई पूरी, ये थोड़ी येल्लो येल्लो होती है ना पूरी वाइट हो गई, तो ये थोड़ा इसमें चेंज है तो आप सभी देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखना होता है हमारा नैदर, मतलब नैदर कैसा दिखता है ये भी एक कमाल की बात है, क्योंकि नैदर शेडर को नैदर अगर नैदर शेडर में अच्छा दिख रहा है ना तो भाई शेडर मतलब टू स्टार ज़्यादा हो जाते हैं शेडर के अगर नैदर अच्छा दिखता है तो। ओके ऑब्सिडियन इसमें काफ़ी अलग दिख रहा है, ऑब्सिडियन पे ज़्यादा लाइट है, तो ये कुछ अलग ही दिख रहा है मेरे को, तो बन गया क्या सही बनाया गया मैंने अभी अभी चेक कर लेते हैं। ओके परफेक्ट, तो चलते हैं नैदर के अंदर और देखते हैं हमारा नैदर इसके अंदर क्या है, मतलब सारी बायो में तो जाके मैं आपसे दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी फर्स्ट लुक नैदर का हम देख ही लेते हैं कैसा दिखता है हमें। देख सकते हो इसमें जनरेट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, शायद ये माइनक्राफ्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं बोल नहीं सकता, शेडर शेडर की हो सकती है माइनक्राफ्ट की भी हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं लावा कैसा दिखता है इसमें, वाह अमेजिंग ओके ब्लैक डार्क डार्क इफेक्ट नहीं है, तो डार्क इफेक्ट शेडर को सबसे ख़राब बनाता है यार, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इतना भी हमको रियलिटी नहीं देनी शेडर में यार कि बिल्कुल ही ऐसी की तैसी हो जाए शेडर की, मतलब आप सभी को अपना अपनी स्क्रीन के उसको बढ़ाना पड़े लाइट को इस। ओके ये देख सकते हो, अब मेरे को कोई अलग से एक बायम ढूंढनी चाहिए, ओके यहाँ से ये बायम है, वाव वाव यहाँ से लाइट देख सकते हो, वाव फॉग वाव काफ़ी अच्छा यार, मतलब कूल क्राफ्ट भाई काफ़ी अच्छा शेडर है यार, ये देख सकते हो आप यार, नाइस यार काफ़ी अच्छा शेडर देख सकते हो यार, कमाल का है, आप ट्राई कर सकते हो इसको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो और बताना भाई कैसा है शेडर, मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लैगी भी नहीं है। ओके इसका नैदर मेरे को अपने ओवरऑल से कम लैग फील कर रहा है देख सकते हो यार। ओके माइनक्राफ्ट की प्रॉब्लम भी है इसमें, ये ऐसा नहीं बोल सकते कि माइनक्राफ्ट की प्रॉब्लम नहीं है,
ओके फोग इफेक्ट कमाल का यार, मतलब काफ़ी अच्छा शेडर है, थोड़ा ESB वाला है, तो ESB भी कमाल का शेडर है ना वैसा ये भी। हाँ 30 FPS लैग नहीं करता, पता नहीं ये लैग माइनक्राफ्ट की वजह से कर रहा है, बट शेडर ही थोड़ा हैवी है बोल नहीं सकते मैं कुछ। आप सभी ट्राई करोगे तो बताना, अलग अलग वर्जन में मेरे पास इतने वर्जन है नहीं तो मैं ट्राई करता यार। ओके यही है यार आज का वीडियो, देख सकते हो शेडर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना एक और सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड करने का लिंक है, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने वर्ल्ड में अप्लाई कीजिए और प्ले कीजिए। तो यार मैं बोलूँगा आपको ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।